हेलो एवरीवन, खम्मा घनीसा, स्वागत है आपका अपने चैनल रजवाड़ी बिजनेसा में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी जन्माष्टमी। और आज है हमारे नटखट कान्हा जी का बर्थडे, तो पूरी दुनिया वैसे तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट करती है, तो हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे आज कान्हा जी का बर्थडे। तो बस कुछ तैयारियाँ करनी है कान्हा जी के लिए। सुबह का तो सब काम कर चुकी हूँ मैं, और कान्हा जी को मीठे का भोग भी लगा दिया था, उनकी पूजा वगैरह भी सब हो गई है, सुबह का काम हो चुका है, बट रात को होगा उनका जन्म। तो उसके लिए हम लोग करेंगे थोड़ा सा डेकोरेशन, जितना हो सकेगा उतना डेकोरेशन करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे तो थोड़ा डेकोरेशन तो बनता है, तो बस उसी की तैयारी करते हैं। तो ये यहाँ पर निकाल लिए हैं मैंने फ्लावर वाली लरे और कुछ नेट वगैरह, और ये निकाले हैं कुछ पीसेस ताकि बैकग्राउंड जो है वो उसको अच्छे से डेकोरेट कर पाएँ। कान्हा जी का झूला भी डेकोरेट करना है, तो अब इन चीज़ों से हमको करना है, इतनी चीज़ें हैं और इतनी चीज़ों से करना है डेकोरेट। तो चलिए करते हैं डेकोरेट। सबसे पहले हम लोगों ने नेट का पीस था तो बैकग्राउंड के लिए ये लगा दिया है, अब इसके ऊपर लगाएंगे फ्लावर, ये फ्लावर वाली लरे, ताकि सुंदर लगे ना। तो देखते हैं कैसा लगेगा, लगा कर देखते हैं। हमने फ्लावर का कुछ ऐसा पीछे का बैकग्राउंड बनाया है, ये रेड फ्लावर और येलो फ्लावर से बैकग्राउंड तो रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर रखते हैं टेबल, है ना, फिर टेबल को करेंगे डेकोरेट। बैकग्राउंड तो हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी, फ्लावर से कर दिया और नेट का क्लॉथ लगा दिया हमने। अब रखिए टेबल, और टेबल भी पीकॉक वाली है, आप देख सकते हैं पूरे टेबल पर क्लॉथ को मैंने बिछा दिया और कवर कर दिया टेबल चारों तरफ से। यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा था, मैं सेफ्टी पिन लगा देती हूँ, ठीक ये भी कवर हो गया है यहाँ पर। तो बैकग्राउंड डेकोरेशन तो हो चुका है, और लेकिन फिर भी थोड़ा खाली लग रहा है, तो मैं उसको और डेकोरेट करने के लिए लगाऊंगी ये सीरीज, ताकि और सुंदर लगे, तो ये लगाते हैं। तो ये लग चुकी है यहाँ पर सीरीज, और अब मैं दिखाती हूँ आपको सीरीज लगने के बाद। अभी लाइट जब ऑन करेंगे ना, तब ज़्यादा सुंदर लगेगा। पहले मैंने टेबल को कवर किया था पिंक कलर से, आपने देखा होगा और इसमें दिखाई भी दे रहा है, बट फिर यहाँ पर फ्लावर रेड और येलो कॉम्बिनेशन में है, तो फिर मेरे पास में रेड कलर का नेट था, तो मैंने उससे टेबल को कवर कर दी है। तो ये इस तरह से लुक आया है टेबल का, ताकि कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा दोनों का, अच्छा भी लगेगा। मटकी जिसको किया है पेंट रेड और येलो में, और ये क्रिएटिविटी करी हमारे राधिका भाईसा ने, एक्सपर्ट है वो। अब इसके अंदर रखेंगे कॉटन में, दिखाती हूँ आपको पूरा, बंद कर दे। मटकी में मैंने रख दी है कॉटन, ताकि वो ऐसा लगेगा कि माखन गिर रहा है। इसको रख देंगे, फिर मैं फाइनल लुक तो बाद में दिखाऊंगी आपको, ओके। ये हुक्म लेकर आए हैं कान्हा जी के बर्थडे का सारा सामान, और बाहर हो रही है बारिश तो पूरी तरह से भीग गए हैं ये। फिर मैं सामान दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए। ये पलक भी गई थी साथ में उसके पापा के साथ, ये भी हो गई गीले, छोटे कान्हा जी की, और उनकी टोपी अच्छा ब्लू कलर की है, सुंदर लग रही है, अच्छा मैचिंग के, कितनी सुंदर मिलती है ना कान्हा जी की ड्रेस है। एक्चुअली हमारे घर पर दो कान्हा जी है, एक तो छोटे कान्हा जी है और एक थोड़े से उनसे बड़े कान्हा जी है, तो दोनों की ड्रेसेस सेम लेकर आए हैं ये, ब्लू कलर का नेक पीस, मुकुट और इयररिंग। ये क्या है, छोटे कान्हा जी का, छोटे कान्हा जी का, अच्छा मुकुट वगैरह इसके अंदर ही है ना, ड्रेस के अंदर ये मुकुट है, ये माला है ना, माला और ये बड़े कान्हा जी की माला, फिर हमको ब्लू मिलेगी, सुंदर लग रही है, ये कड़े बड़े कान्हा जी के, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जब कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। उनके इयररिंग, ये चिपकाने वाले हैं, हाँ, और ये छोटे कान्हा जी के इयररिंग्स है, और वो क्या बोलते हैं छोटे कान्हा जी के, कैसे टीका बोलते हैं ना, हाँ, वो दोनों कान्हा जी के इसी में है, वो बहुत छोटे थे, उनको जब लगाएंगे ना तब भी निकालेंगे। अच्छा, और बड़ा, हाँ बड़ा टीका,
दोनों एसी में है भाई, वो थोड़े अच्छा। साइज में छोटे हैं। चलो भैया, काना जी की तो ड्रेसेस आ गए। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे ना ये, सुंदर लग रहे। और ड्रेसेस तो कितने, सबसे हर बार पहले हमने ये वाली ड्रेस पसंद करी थी क्योंकि हमने येलो कलर भी था इसमें, तो फिर येलो कलर था अपने पास, तो फिर मैंने बोला कि ब्लू लेते, और वैसे भी पापा हर बार मतलब लाल पीले ऐसे ही लाते हैं, ऑरेंज वगैरह, ये फर्स्ट टाइम है ब्लू कलर लेकर आया है। तो पलक भी भीग गई है। हाँ, और क्या लेकर आया तुम लोग? बस यही और बाकी सारे फ्रूट्स लेकर। और फ्रूट्स है क्या? बनाना है, बनाना ले आए हैं, एप्पल है, मतलब पांच तरह के फल जो है रखे जाते हैं पूजा में, तो पांच तरह के पूरे फल ले आए हैं। तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ और देखते हैं अभी काकी सा कुछ मना रहे हैं। काना जी कली यमी यमी क्या बना रहे काकी सा? बेटा मैं बना रही हूँ काना जी की फेवरेट प्रसाद। काना जी को वैसे तो बहुत सारी चीजों का भूख लगता है, बट जो धनिया का प्रसाद होता है ना वो उनका फेवरेट रहता है, तो मैं धनिया का प्रसाद बना रही हूँ। बहुत टेस्टी होगा। सेलिब्रेट करेंगे उसके बाद मिलेगा। और यहाँ पे जीजा काम करते हुए हेल्प करवा देते हैं। वैसे जीजा कोई फंक्शन वगैरह रहता है तो है ना, मेरे राधिका भाई सा भी करवा देते हैं। काकी सा हुकम पंचम व्रत मना रहे हैं कान्हा जी के लिए। बना रही हूँ पंचम व्रत। क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया आपने? पंचामृत बना रही हूँ क्योंकि कान्हा जी जब जन्म लेंगे तो उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे ना। सबसे पहले मैं लूंगी दही, है ना, दही ले लिया है, फिर ये कच्चा दूध ले लिया है, उसके बाद मैं गंगा जल मैंने निकाल लिया था पहले से, गंगा जल हो गया, उसके बाद मैं हल्का सा घी ले लिया है ना, और ये रहा अपना शहद। तो कान्हा जी के बर्थडे का डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट, और जितना हो सका उतना डेकोरेट किया है हम लोगों ने, और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जन्माष्टमी पर जो डेकोरेशन हम लोगों ने किया है कान्हा जी के लिए वो आपको कैसा लगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया है ये वाला डेकोरेशन, बैकग्राउंड वाला, उसमें फ्लावर की लरे लगाई है और लाइटिंग भी लगा दी है। उसके बाद में दो कान्हा जी हैं अपने घर पर, एक छोटे कान्हा जी है ये आप देख सकते हैं, और एक ये बड़े कान्हा जी। तो दोनों की ड्रेसेस इस बार हुकम ब्लू कलर की लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं, और पूरा श्रृंगार किया है उन दोनों पर। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ये पीसेस शो पीस है ये रख दिए हैं इस साइड भी और इस साइड भी, मोर पंख भी रख दिया है, और ये रहे अपने गाय माता, ये भी हो गए हैं, कलश रख दिया है, और ये रही अपनी मटकी जिसमें से माखन निकल रहा है, और ये पांच प्रकार के फल जो कि हर पूजा में लगते हैं, और ये आरती के लिए थाली डेकोरेट कर दी गई है। इसके बाद में ये जो लाइटिंग है ये जब पूजा होगी तब जला देंगे, मैंने अभी जला कर नहीं रखी है इनको। उसके बाद में कान्हा जी को 56 प्रकार का भोग तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि 11 तरह का भोग उनको लगा दें।
तो इसमें है काजू, बादाम, किशमिश, दही, मिठाई, मिश्री और मखाने, दो तरह की मिठाई है इसमें। इसके अलावा है सबसे फेवरेट कान्हा जी का रहता है धनिया वाला प्रसाद, तो वो मैंने बनाया है स्पेशली उनके लिए। और चॉकलेट भी रख दी है अगर वो खाना चाहें तो, क्योंकि बच्चे हैं तो मेरी इच्छा हुई कि चॉकलेट भी रख सकते हैं तो वो भी रख दी है। और सबसे मेन रखा है मैंने गुड़, तो गुड़ हर शुभ काम में लिया जाता है। और पहले के ज़माने में तो यही होता था कि अगर कुछ भी शुभ समाचार मिलते हैं और ख़ास करके अगर कि कहीं पर बच्चे ने जन्म लिया है तो गुड़ ही बांटा जाता है, तो इसलिए बांटा जाता था। अब तो मिठाई वगैरह चल गई है तो मैंने गुड़ भी रख दिया है। तो ये इस तरह से हो गए हैं तैयार, अब बस करेंगे उनकी पूजा जब वो जन्म लेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि ये डेकोरेशन आपको कैसा लगा जन्माष्टमी का। क्या होगा, पूजा की तो फुल तैयारी हो चुकी है और अब बज रहे हैं 11। अभी एक घंटा और बाकी है कान्हा जी के जन्म में, उसके बाद करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन कान्हा जी का। तो अब एक घंटा बाकी है, जब तक कुछ फोटो क्लिक करवा लेते हैं या रील्स वगैरह बना लेते हैं, जब तक एक घंटा निकल जाएगा। लाल की जय।